24 चुनाव अच्छा होगा और विकास के मुद्दे पर लड़ा जाएगा चुनाव जी। आईटीबीपी आए, कितने फॉर्म निकले हैं उसमें, कितने निकले बताओ? 2 लाख, कम से कम 2 से 2.5 लाख के लमसम में फॉर्म भरे गए और 60,000 भर्ती है केवल। दूरी हमारी 400 रुपए ही हर महीने, जो 1300 रुपए यानी गैस फूंक दे, बताओ कहाँ से आएगा? जो आपकी टोटली वैकेंसी आ रही हैं, जैसे विपक्षी सरकार में दलालियों के ऊपर 2-2 लाख वैकेंसी निकलती थी, इससे ईमानदार सरकार में 15,000 निकल रही है, वो गलत लग रही है आपको? राशन पानी इतना महंगा है, कहाँ से आएगा? नमस्कार, मैं हूँ सुदीप सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। 2024 लोकसभा चुनाव करीब 1 साल बचा हुआ है, ऐसे में बीजेपी लगातार तीसरी बार सत्ता में आने की कोशिश कर रही है, तो वहीं विपक्षी दलों के भरोसे हैं, वो सत्ता परिवर्तन चाहती हैं। ऐसे में जनता का क्या मूड होगा और जनता किसको वोट करेगी, जनता किसको सपोर्ट करेगी, ये सब देखने के लिए, आपको दिखाने के लिए हम चलते हैं लोगों के बीच में और जानते हैं उनसे उनकी राय। 2024 चुनाव पास में है, तो इस चुनाव में आप क्या देखना चाहती हैं, या कुछ बदलाव लेना चाहती हैं, या जो सरकार चल रही है बीजेपी की आप उसी के साथ रहेंगी? होना चाहिए सर, महंगाई में इतना वो है कि बताओ, सिलेंडर 1400-1300 का हो रहा है, इतना राशन पानी इतना महंगा है, कहाँ से आएगा? सरकार तो कहती है हमने सिलेंडर फ्री में बांटे, महंगाई भी कम हो रही, कंट्रोल में आ रही है। महंगाई तो आई नहीं रही। सिलेंडर कितने का था और अब कितने का है? सरकार तो 60 का आ गया है, आ गया ना, अब लगाओ। तो 2024 में आप किसको वोट करना चाहती हैं? अभी तो कुछ सोचा नहीं है, जो सस्ता करेगा वही है वो। अच्छा, सरकार ये भी कहती है कि कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया हो गई है, महिलाएं सुरक्षित हैं, सबको फ्री में शौचालय बांट दिया गया, क्या कुछ कहेंगे इस पे आप? ये तो सही बात है, मतलब शौचालय वगैरह ठीक है, मगर महंगाई थोड़ा कम होना चाहिए। अच्छा, कानून व्यवस्था क्या कहेंगे आप, सरकार में बीजेपी सरकार में कानून व्यवस्था कुछ सुधरी है कि नहीं सुधरी है? बहुत सुधार है। तो 2024 में आप क्या देखती हैं कानून व्यवस्था के साथ, महंगाई के? महंगाई कम होनी चाहिए। फिर भी चुनाव किसको, मतलब चुनाव में वोट किसको करेंगे आप? चुनाव तो करेगा उसी को देंगे हम, जो सही, जो कम वो रहेगा, महंगाई नहीं होगी उसको ही देंगे ना हम। इस सरकार से आप कितना संतुष्ट हैं? संतुष्ट क्या है, कुछ नहीं है संतुष्टि, क्या है, इतना महंगाई आ रही है, क्या है, खाली ये रोड बना दिए, शौचालय बना दिए, इससे पेट थोड़ी भर रहा है, कंपनी नहीं है, काम नहीं मिल रहा, रोजगार नहीं है, है? रोजगार की बात करें तो सरकार तो कहती है हमने युवाओं को मौका दिया, कुछ नहीं दिया है, सब ऐसे ही चल रहा है, और गरीब ही मारा जा रहा है, अमीर तो अमीर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अमीर तो पहले भी ऐसे ही था और अब भी ऐसे ही है। हाँ, अच्छा, हमारे साथ चाचा हैं, हम इनसे बात करते हैं कि चाचा, 2024 चुनाव आप किस तरीके से देखते हैं, किसको वोट करना चाहेंगे आप? क्या किसको करना चाहेंगे 2024 में, आप किस पार्टी की तरफ जाएंगे? क्योंकि देखिए, अब पीएम मोदी की तरफ से ऐलान हुआ है कि मन की बात में 1 लाख किताबें वो उर्दू में छपेंगी और जो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है उनमें वो बांटा जाएगा, जो मुस्लिम स्कॉलर उनको दिया जाएगा, और ये कहीं ना कहीं मुस्लिम को साधने का भी काम कर रहे हैं। हाँ जी, मोदी ने जी बिल्कुल तो पैदल तो कर दिया, और कुछ कमी रहेगी वो तो पूरी कर दें बिल्कुल। रोजगार क्या कर रहा है बताओ, कितनी महंगाई, 40-50 रुपये किलो आटा कहीं बिकना चाहिए, 200 रुपये किलो सरसों का तेल बिकना चाहिए क्या, आई समझ में? अब मजदूरी कितनी, 400 रुपये मजदूरी है कंपनी में, हुनर वाले की 400 रुपये, 430 रुपये, बताओ ये है ग्रेड, इससे गुजारा हो सकता है क्या? शासन पे क्या कहेंगे, तो कहते हैं शासन व्यवस्था मेरी बहुत अच्छी है, 0 टॉलरेंस के साथ हम काम करते हैं, जो पहले दंगा फसाद होते थे अब दंगा फसाद नहीं होते हैं, कानून व्यवस्था हमने नंबर 1 कर दिए, युवाओं को हम रोजगार दे रहे हैं, कोरोना काल में फ्री वैक्सीन दी, लोगों को आवास दिए, लोगों को राशन दिए, सबके खाते में पैसे पहुँचे, इससे आप कितना संतुष्ट हैं और सरकार की लाभकारी योजनाओं कितना ले पाए? एक बात बताइए, अगर जो है दंगा फसाद नहीं हुई, आज गैस सिलेंडर जो है ये बताओ 1300 रुपये बिकना चाहिए, ये कहाँ से आएगा? मजदूरी हमारी 400 रुपये ही हर महीने, जो 1300 रुपये यानी गैस फूंक दे, बताओ कहाँ से आएगा? पूरे परिवार गुजारा किस तरीका हो सकता है, हैं? कनेक्शन फ्री कराए, उसके बाद में फिर उस एकदम गैस 445 रुपये का आज हुएगा 1250 रुपये का कनेक्शन, बताओ किस तरीका से? महंगाई नहीं है क्या है, दंगा फसाद या कोई धार्मिक काम कर रहे हैं? धार्मिक से हमारा मतलब ध्रुव है, कोई हिंदू हो मुसलमान हो, धार्मिक से मतलब नहीं होता है, पब्लिक का रोजगार जो बनता है उससे खुशहाल होता है, और रोजगार फेल कर दिए, अगर दंगा फसाद नहीं है तो क्या हम दंगा फसाद में गुंडागिरी शुरू कर रहे हैं? दंगा फसाद मतलब सरकार तो ये भी कहती है कि हम युवाओं को मौका दे रहे हैं, कंपनियाँ आ रही है, बाहर कंपनियाँ आ रही है, वो उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, आपके अभी यहाँ बता रहे हैं कि वो नोएडा में सैमसंग कंपनी आ गई, और भी कंपनियाँ आ रही हैं, लोगों को रोजगार मिलेगा,
इससे आप कितना संतुष्ट हैं? क्या रोजगार मिल जाए बताइए, रोजगार 9-9 हज़ार रुपये, 12-12 हज़ार रुपये महीने की सैलरी है, इससे रोजगार मिल जाए? ये बताओ कितने रुपये पड़े, 12 हज़ार रुपये हिसाब से कितने रुपये पड़ रहे हैं? 9-9 हज़ार रुपये में लेडीज पूरे दिन काम करती हैं, 9 हज़ार रुपये में गुजारा हो जाएगा? आप ये बताइए सरकार से आप संतुष्ट हैं कि नहीं संतुष्ट हैं, यह बता दीजिए कि 2024 में आने वाले इलेक्शन में, क्योंकि कुछ ही समय रह गया आपके, आप ये समझिए कि लगभग एक साल बाद इसी समय में चुनाव की डेट कभी भी आ सकती है, चुनाव कभी भी हो सकता है, और बीजेपी ऐसा भी माना जाता है कि उत्तर प्रदेश जो है वो देश की राजनीति तय करता है। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं और ये बीजेपी का जो प्लान है ये 80 सीटों को फतह करने की है, तो इसमें ये कितना सक्सेस होंगे? मगर ये इलेक्शन जो है पब्लिक के ऊपर नहीं हो रहा है, क्योंकि उनका प्रशासन खुद उनका है, ये खुद अपना इलेक्शन हो रहा है अपने आप, कोई पब्लिक के ऊपर नहीं हो रहा है, वोटर लिस्ट के ऊपर नहीं हो रहा है इलेक्शन। ये बताइए उनको कहना है कि मुझे 70% सीट मुझे मेरी देना है तो उनकी देना है, बाकी और भागो बांट दो, कुछ नहीं कर सकता पब्लिक, कुछ नहीं कर सकती। और पब्लिक चाहेगी हम कांग्रेस ही सरकार आना चाहिए, मगर हो ही नहीं सकती क्योंकि उनका प्रशासन है ना। कांग्रेस सरकार आएगी नहीं आएगी? हमको तो बढ़िया बात है आ जाए, कांग्रेस सरकार आ जाए बढ़िया बात है। क्यों बढ़िया बात है, कांग्रेस सरकार ने ऐसा कुछ क्या किया? जितने रोजगार दिए थे उतने किसी ने दिए ऐसे मिलो, और इसकी सरकार में बताओ कि कोरोना हो गया कि जे हो गया कि दो मीटर की दूरी बनाए रखें, 2 मीटर जब उनकी मोदी साहब की रैली जा रही तो 2 मीटर की दूरी से रैली जा रही क्या, तो उसमें कोरोना नहीं है? पहले ये बात बताओ मैं भाई, तो पब्लिक कह रहे हैं 2 मीटर की दूरी बनाए तो चाचा ये 2 मीटर की दूरी है तो आपकी सेफ्टी के लिए कर रहे थे कि कोरोना, देखिए रही बात कोरोना केवल भारत में नहीं था, पूरे विश्व में इससे जनता पूरी प्रभावित थी, और कोरोना काल में वो तो बताया भी कि हमको सबको राशन फ्री में बांट दिए, वो ही कह रहे हैं कि 2 मीटर की दूरी बना रखे हैं, और उनकी खुद रैली निकल रही तो आदमी से आदमी हट नहीं रहा है, तो बताइए कोरोना बनेगा कि हटेगा? तुम ही बना रहा है, तुम ही बिगाड़ रहा है, फिर रैली निकाल क्यों निकाल रहे हैं? जो रोजगार कर रहा है उसकी 2 मीटर की दूरी करो, मजदूरी करने वाले 2 मीटर की दूरी करें, और जो उनकी रैली निकल रही है तो आदमी को निकलने मिल जाए, बताओ ये उनकी कानून है तो कानून बना रहे क्यों रैली निकाल रहे हैं? 2024 लोकसभा चुनाव पास में, ठीक है, अभी राहुल गांधी ने पैदल मार्च किया, पूरे देश में उन्होंने भ्रमण किया, अलग अलग समझा लोगों जाके मिले, वो लोगों से बात की, तो आपको लगता है कि 2024 में इनके इस पैदल यात्रा से कुछ फर्क पड़ेगा? पैदल यात्रा से हमें क्या फर्क पड़ेगा, राहुल गांधी कुछ फर्क पड़ेगा, कांग्रेस पार्टी कुछ फर्क पड़ेगा, लोग उनके साथ आएंगे, उनको वोट करेंगे, सत्ता में आएंगे कि सत्ता के बाहर ही रहेंगे? भाई मेरा मतलब ये है कोई भी सरकार आए मगर पब्लिक खुशहाल रहना चाहिए, खुशहाल होना चाहिए तभी देश खुशहाल होगा। अब पब्लिक रो रही है हिल्ला रोजगार के लिए, जो ग्रेजुएट करे हुए लड़के 9-9 हज़ार रुपये ही सैलरी कर रहे हैं, बताओ उनको अफसोस है उनके माँ बाप को? यानी ग्रेजुएट करे जैसे 20-20 साल लड़कों को पढ़ाया है और 9 हज़ार रुपये ही सैलरी कंपनी प्राइवेट कर रहे हैं, बताओ क्या फायदा जिंदगी से बताओ हैं? बताओ जैसे मोदी सरकार हुई कितने लड़के लगे हैं, यानी वैकेंसी निकलती हैं मिलिट्री में या पुलिस में, तुमने रिजल्ट डाल दिए और एक एक फार्म में कितने पैसे खर्च होते हैं? ये तो योजना भी लेके अग्निवीर योजना, उसमें क्या कहेंगे आप? कितने पैसे खर्च होते हैं, उसके बाद में पेपर दिए प्रैक्टिकल हुआ उसके बाद हम रद्द कर दी, पता तुम्हें जब ऐसा रद्द करने है तो क्यों निकाली ये वैकेंसी, रद्द क्यों कर दी, रद्द कर दिया? कम से कम कोई लड़का है लड़की है तो उसको ये तो मुझे अफसोस हुआ कि मेरा पेपर आया, मैंने मेहनत करी या नहीं करी, यानी प्रैक्टिकल होने के बाद हम रद्द कर दी, बताओ आपके हिसाब से बीजेपी सरकार में जनता त्राहिमाम कर रही है, ना तो महंगाई कम हो रही है ना लोगों को रोजगार मिल रहा है, तो आप ये बताइए कि बीजेपी सरकार को आप 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे? 3 साल मेहनत करी तैयारी में, और तैयारी में प्रैक्टिकल करा और उसके बाद पेपर दिया, पेपर देने के बाद रद्द कर दी, बताओ अफसोस है बात, रद्द क्यों कर दी? मैम आप क्या कह रही, चाचा तो बता रहे हैं कि रोजगार नहीं मिल रहा है, नौकरियाँ नहीं मिल रही लोगों को, और ये कह रहे हैं कि राशन से या फिर शौचालय देने से काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा ना, रोजगार भी तो होना चाहिए, रोजगार होगा जब भी तो चलेगा। सरकार तो कह रही है ना हम रोजगार दे रहे हैं, युवाओं को मौका दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं कहाँ दे रहे हैं? आप देखा कितनी लेडीज़ से हम घूमी नोएडा में, घूम के देखो आप सुबह सुबह कितनी लेडीज़ से घूमती हैं, क्यों? एक मजबूरी से तो निकलती है लेडीज़, अगर आदमी इतना कमाएगा तो लेडीज़ निकलेगी ही नहीं। इस सरकार में महिलाओं का सम्मान हो रहा है कि वो भी नहीं हो रहा है? नहीं सम्मान तो है, सुरक्षित महसूस करती है अपने आप को अब घर निकलने के बाद? बिल्कुल। और पिछली सरकारों में? पिछली से तो अब बेहतर है।
आप किस सरकार से वो करना चाहते हो बीजेपी को? आपको लग रहा है कोई सरकार है बीजेपी के मुकाबले? बताइए, कोई भी कास्ट का हो, कोई बिरादरी का आदमी हो, हमें बताओ कि बीजेपी ने ये काम गलत किया और सरकारों ने बहुत बढ़िया किया, बताइए। चाचा तो कह रहे हैं कि रोजगार नहीं मिल रहा है, गैस महंगी हो गई है, लोग अपने घर से बाहर निकल रहे हैं। एक रोजगार मिलता था 5 लाख में, 3 लाख में नौकरियां बटती थी, वो रोजगार ठीक था है? आईटीबीपी आए, कितने फॉर्म निकले हैं उसमें, कितने निकले हैं बताओ? 2 लाख, कम से कम 2 से 2.5 लाख के लमसम में फॉर्म भरे गए हैं और 60,000 भर्ती हैं केवल, वो फॉर्म की वो कहाँ जाएंगे? 60,000 भर्ती हैं, 60 रुपए व्यक्ति से लगा लो, पैसे कहाँ जाएंगे? आपको मतलब वैकेंसियों से मतलब है? जो आपकी टोटली वैकेंसी आ रही है, जैसे विपक्षी सरकार में दलालियों के ऊपर 2-2 लाख वैकेंसी निकलती थी, इससे ईमानदार सरकार में 15,000 निकल रही है, वो गलत लग रही है आपको, है ना? मैं क्या करूँ? अच्छा, मैं क्या करूँ? हाई स्कूल करा हुआ हूँ, क्या करूँ बताओ? आपकी रेंज लाख जो वर्क हो वो देखिए आप, है कुछ भी हो जो आपके हाई स्कूल, मतलब जितने हाई स्कूल वाले ऐसे घूम रहे हैं, आप की तरह घूम रहे हैं, ऐसे आप घूम रहे हो, किसी के पास कोई काम नहीं है? सिलाई अगर जो भी यहाँ पर जितने भी हैं, अगर यहाँ पर जो भी जितने भी हैं, बताओ कोई मेरे मास्टरी का इंटरव्यू ले ले, लगवा मुझे मास्टरी में कोई कंपनी में। अच्छा, आप 10 पास हो और आपको मास्टरी कंपनी में लगवाएं? वाह, एक हुनर भी ना है, अब हुनर भी ना है भाई, हुनर भी ना है, बीजेपी क्या हो गया, हुनर भी ना है क्या? लो भाई जी, अच्छा हमारे साथ कुछ लोग और हम बात करते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में आप किसकी सरकार देखना चाहती हैं और इस सरकार से आप कितना प्रभावित हैं? हमें तो मोदी की सरकार चाहिए, बीजेपी। बीजेपी की सरकार क्यों चाहिए आपको? मतलब उन्होंने हम लोगों के लिए बहुत किया है, इसीलिए स्कूलिंग, कॉलेज वगैरह, मतलब जो भी सुविधाएं की हैं, गैस सिलेंडर है, वॉशरूम वगैरह जो भी है, वो मतलब बीजेपी ने ही किया। तो लोग तो ये भी कह रहे हैं कि सरकार जो है ये गैस सिलेंडर फ्री में बांट दी और उसके बाद अब जब समय आया तो सरकार ने गैस सिलेंडर को महंगा कर दिया, इसको आप महंगाई को किस तरीके से देखती हैं आप? महंगा कर दिया वो तो गवर्नमेंट के ऊपर ही है, वो तो हम कैसे बता सकते हैं क्या है क्या नहीं है, बट हाँ गवर्नमेंट ने किया है वो अच्छा ही किया है, क्योंकि 24 में भी हम यही चाहेंगे कि गवर्नमेंट हमारी जो पहली थी वही आए, बीजेपी आए। अच्छा, राहुल गांधी कितना प्रभावित है आप? राहुल गांधी ने पूरे देश में भ्रमण किया, पैदल यात्रा उन्होंने की और विपक्ष भी कहता है एकजुटता के साथ आएंगे और बीजेपी को अब क्यों उखाड़ फेंकेंगे, तो आपको लगता है कि विपक्षी पार्टियां जो हैं वो एक साथ आएंगी, कांग्रेस साथ आएंगे, किसी भी पार्टी के साथ आएंगी, तो बीजेपी को कुछ कर पाएंगे? क्योंकि बीजेपी अपने पूरे प्लान के तहत चल रही है और बता रही है कि उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, उन 80 सीटों पर हम कब्जा करेंगे, 80 सीटों का पूरा अपना रोडमैप तैयार हो गया है, उसी हिसाब से काम कर रहे हैं। 80 सीटों पर कब्जा तो नहीं कर पाएंगे। आपके हिसाब से कितनी सीट निकलेंगी बीजेपी की? ऐसे मैं तो कैसे बता सकती हूँ कितनी निकलेंगी, बट जो भी होगी बीजेपी ही जीतेगी। आपके साथ बीजेपी सरकार आएगी। अच्छा, शासन में आप देख लें, पहले लोग कहते थे कि महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिलती, इस सरकार में आप सुरक्षा से कितना, सुरक्षा में 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे बीजेपी सरकार को? 10 में से 10 ही है। वाह भाई, तो जैसे आप अभी कह रहे थे कि सरकार में रोजगार भी मिल रहा है, और चाचा तो कह रहे रोजगार ही नहीं मिल रहा है। देखो, चाचा कहें या चाची कहें, सुनना, जय जनता, और इनको क्या कहता है, केवल अपने से मतलब है, समझ रहे ना, इनके लिए राम राज्य भी आ जाए ना, उसमें भी इंसान दुखी रहता था, ये तो बीजेपी है। इनको कोई कभी दूसरी सरकार आप ला दो, वो क्या कहता है, कहेगी कि लेडीजों को सुरक्षा नहीं मिल रही है, किसी ना किसी ये सब चीज़ तो चलती रहेंगी, परंतु आप एक जो आपकी पार्टियां हैं, अन्य पार्टियों, उनसे अगर आपको बीजेपी को वो करोगे तो उसके बराबर तो बीजेपी 90% ऊपर है। अच्छा, लोग विपक्षी पार्टी ये भी कहती हैं कि लोग अडानी को या किसी पर्टिकुलर एक पर्सन को ये पूरा फंडिंग कर रहे हैं, उनको उनकी सहायता कर रहे हैं, अभी जैसे हाल ही में एक मैटर आया था कि LIC डूब गई, SBI डूब गया, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? भाई LIC डूब गई, ये डूब गई, अब इनसे अब ये मान के चलो जैसे कोई वैकेंसी होती है, जैसे चाचा ने कहा कि वैकेंसी पहले निकलती है 60,000, सुनना, अब निकल रही है 6,000, तो वो 6,000 वैकेंसी जो पहले जो 56,000 थे, वो 54,000 थे, वो सारे दलाली थे, जो ईमानदारी का नौकरी था ना, वो केवल 6,000 था, वो 6,000 पोस्ट निकल रही है वो केवल। चाचा तो कह रहे हैं जो पहले था वो दलाली होती थी उसमें। दलाली, मेरा मतलब ये है, आप जो है पहले पढ़ाई होती थी, अगर किसी ने लड़के ने या लड़की ने बीएड करा, उसके जो है मेरिट देख के उसको नौकरी मिली, आज उस पर जो है टैट निकालो, उसके बाद टैट निकालने के बाद सुपर टैट निकालो या टी टैट निकालो या उसके बाद मसाले वो निकाल ही ना पाएगा, नौकरी कहाँ मिल जाएगी? और उसने 30 साल पढ़ाई करी और पढ़ाई करने के बाद में मजदूरी कर जाए, बताओ ये अफसोस की बात नहीं है भाई? उसकी मेरिट देखो, मेरिट देखो, ये क्या टैट निकालो, सुपर टैट निकालो, टी टैट निकालो, अब इतना उसे निकाली ना मिला, नौकरी नहीं, फिर मजदूरी करेगा, मजदूरी जो इतना 30 साल पढ़ाई करेगा वो मजदूरी कर लेगा तो दुखी रहेगा नहीं रहेगा? मेरा मतलब ये है, जैसा जिसको है उसको मिलना चाहिए।
24 चुनाव को आप किस प्रकार से देखते हैं? 24 चुनाव अच्छा होगा और विकास के मुद्दे पर लड़ा जाएगा चुनाव। इस सरकार से कितना आप खुश हैं, कितना आप नाराज हैं? क्योंकि अभी चाचा भी कह रहे हैं कि सरकार में कानून व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है, महंगाई चरम पर है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, और विपक्ष भी हमेशा इसी मुद्दे को लेकर सरकार को घेरता है, चाहे सदन हो, चाहे सड़क हो, चाहे बाहर हो, हर जगह वो इसी मुद्दे पर घेरता है कि युवाओं का जो भविष्य है वो कहीं ना कहीं सरकार अंधेरे में डाल रही है। नहीं, सरकारी जॉब ही वो नहीं होता है, रोजगार मिल रहे हैं, काफ़ी कंपनियां खुल रही हैं, उसमें रोजगार मिल रहे हैं। सरकार कोई नौकरी की फैक्ट्री नहीं है, रोजगार होंगे, बिजनेसमैन होंगे, आज सारे लोग रोजगार में हैं, और सरकार से आम जनता सेटिस्फाइड है। और जहां तक हम यूपी में बात कर रहे हैं, नोएडा में, यहां भी कानून व्यवस्था अच्छी है, सब लोगों को रोजगार मिल रहा है, सुरक्षा है और सारी चीज़ें ठीक हैं। बेसिकली कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं तो दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। दिल्ली से बिलोंग करते हैं, तो दिल्ली में आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी कुछ उलटफेर करेगी 2024 चुनाव में? नहीं, आम आदमी कुछ नहीं कर पाएगी। उसका जो मेन मोटिव था, बिजली, पानी, दारू, कोई विकास नहीं हुआ है। जो विकास दिल्ली में हुआ था वो शीला दीक्षित के कार्यकाल में हुआ था, जो आज भी लोग याद करते हैं और हमेशा याद करते रहे। आप दिल्ली के रहने वाले हैं, तो आम आदमी पार्टी सरकार ये भी कहती है, हमने लोगों को बिजली फ्री में दिए, पानी फ्री में दिए, मोहल्ला क्लिनिक हमने बनवा दिया, तो मोहल्ला क्लिनिक से आप कितना प्रभावित हैं? आप आज के डेट में किसी भी मोहल्ला क्लिनिक में जाइए, एक दवाई नहीं मिलेगी, कोई स्टाफ नहीं मिलेगा, कोई व्यवस्था नहीं है। रहा बात, आप सब्सिडी दे रहे हैं बिजली पानी पे, तो कहाँ से आप विकास करोगे और क्यों सब्सिडी दे रहे हो? सब्सिडी चाहिए, गरीब को दो, आप सबको सब्सिडी दे रहे हो, जो कि गलत है। सब्सिडी नहीं होनी चाहिए। अगर देश को विकास करना है, देश को आगे बढ़ना है, तो सब्सिडी की कोई जरूरत नहीं है। सब्सिडी उन्हीं को मिलना चाहिए जो जरूरतमंद हो, उनको मिलना चाहिए, जरूरतमंद है उनको मिलना चाहिए, सबको नहीं मिलना चाहिए। अंत्योदय कार्ड एक गरीब के लिए बनाया गया है। मैंने देखा है जिसकी 20-20 बीघा जमीन है उसको अंत्योदय कार्ड बनाया है, क्योंकि ये तुम्हारे ऑनलाइन है, कौन गरीब है कौन अमीर है ऑनलाइन, ये मतलब यही है, ये पता है गरीब कौन है और अमीर कौन है। गरीब का हक जो है गरीब को नहीं मिलता है, अमीर को मिल जाता है। इसका मतलब क्या है? वहाँ को बैठे हैं, ब्लॉक में बैठे हुए हैं, कहते हैं ऐसे गरीब को दो जो 10-20-25 हज़ार रुपये दे देगा, कोई विकास आया या कोई आवास आया, आवास गरीब को नहीं मिलता है और पैसे वाले को मिल जाता है। इसका मतलब चाचा तो बीजेपी सरकार से काफ़ी खबर नजर आ रहे हैं, इनका कहना है कि बीजेपी सरकार में कुछ हुआ ही नहीं है, ना कोई तरक्की हुई है, ना कोई विकास हुआ है, क्योंकि ये लगातार काउंटर पे अटैक करते जा रहे हैं कि इनके हिसाब से कोई काम ही नहीं हुआ है। कह रहे हैं कि आज डेट में लोग 8,000-9,000 नौकरियां कर रहे हैं, अब वो कहते हैं सड़क अच्छी बन रही है, मान लें हम सड़क अच्छी बन रही है, तो चाचा आप देखें कहीं इनकी पिछली सरकारों में कितने दिन में लाइट रहती थी, कितने रात लाइट रहती थी सरकार, मैं ये नहीं सरकार ये कहती थी, और आज की डेट में अपने बच्चों को नहीं कह रहा हूँ, ग्रेजुएट बच्चा 9,000 रुपये नौकरी कर रहा है, ये अफसोस वाली नहीं बात है, उनके माँ बाप ने 20 साल पढ़ाया और 9,000 रुपये नौकरी कर रहे हैं, अफसोस की बात है नहीं है ऐसा में। मेरा मतलब ये है उनके लिए कुछ ना कुछ तो विकास निकाल, जो पढ़ने लिखने के बाद में वो मजदूरी कर रहे हैं, बताओ क्यों कर रहे हैं मजदूरी? सरकार को ये मालूम है कि पढ़े लिखे बच्चे आप मजदूरी कर रहे हैं, बताओ एक एक गांठ ले जा रहा है 3-3 मंजिल पर उठा उठा के 9,000 रुपये नौकरी, उनसे क्या ग्रेजुएट करे हुए लड़के, अफसोस बात है नहीं? ओला ओवर चला देते दिल्ली में, ओला ओवर भी बंद कर दिया गया सर, ओला ओवर चालू करवा दो मैं तो दिल्ली में काम नहीं कर पाता हूँ। देखो ये किसकी गलती है, केंद्र सरकार की गलती है कि राज्य सरकार की गलती है? मुझे ये नहीं पता, मुझे तो अपने काम से गलती हो गई, मेरा काम बंद हो गया बस, और क्या, मैं उसी वजह से ना मैं अपना घर परिवार चला रहा था, अब दिल्ली में बंद कर दिया, कम से कम चालू उसे करवाइए, मैं तो यही कहूँ जी। अच्छा, अभी आप देखें तो कल बजट पास हुआ दिल्ली सरकार का, कैलाश गहलोत ने बजट पास किया, 78,800 करोड़ का, वो बता रहे हैं कि ऐतिहासिक बजट है, जिसमें जो पार्टन इनका विभाग था उसमें लोगों को ये फ्री में लेके जाते थे वहाँ पे, खाना पीना रहना तीर्थयात्रियों को, हाँ, तो उससे आप कितना प्रभावित हैं, आप इसमें किस तरीके इसको देखते हैं? क्योंकि ये कह रहे हैं कि अनवरत चालू भी रहेगा, प्लस कांवड़ यात्रियों के लिए भी इनका एक अलग प्रावधान होगा, और उस बजट को आप कितने अच्छे स्तर से देखते हैं? मैं बजट को अच्छा नहीं मानता, उसमें जो मेरे हिसाब से एक नौजवान के हिसाब से जो उसमें नज़र आई, आप ऐड पे इतना पैसा खर्च कर रहे हो, क्यों कर रहे हो ऐड पे इतना खर्च? अगर आप बोलो कि मैं काम अच्छा कर रहा हूँ, मैं काम अच्छा कर रहा हूँ, दिल्ली की जनता खुश है, तो फिर ऐड की जरूरत क्यों है? मेरा क्वेश्चन ये था कि ऐड की जरूरत क्यों है? आप उसके लिए आप कंपनियों को प्रोत्साहित करें, दिल्ली में कंपनियों को बुलाएं, इनको जॉब मिलेगी, ओला उबर का जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया, ठीक है, आप कंपनियों को प्रोत्साहन दीजिएगा, वो 10 रोज़गार पैदा करें, लेकिन आप अगर ऐड पे 22,000 करोड़ या समथिंग जो भी अमाउंट है वो खर्च कर रहे हैं, वो बहुत गलत है। आप दिल्ली के विकास के लिए काम कीजिए, आप जाइए नलियों के लिए विकास कीजिए, सड़कों का विकास कीजिए, आप
एक भी एक फ्लाई ओवर बना है जिसके बारे में कई झूठ बोला जाता है, मैंने इतने बनवा दिया, मैंने इतने बनवा दिया, उसके अलावा कोई फ्लाई ओवर दिल्ली में नहीं बना है। आज दिल्ली में ट्रैफिक की मेन समस्या है, पार्किंग की मेन समस्या है, कोई उस पर सुनवाई नहीं हो रही, इसलिए बजट को हम अच्छा नहीं मानते। तो 2024 में किसको चाहते हैं आप फिर, ये भी क्लियर कर दीजिए। 2024 में 200% बीजेपी आ रही है। कितनी सीट आपके हिसाब से आएंगे बीजेपी की? आप एमपी की बात कर रहे हैं? मैं पूरे भारत की बात कर रहा हूँ कि लोकसभा की सीट कितनी लेके आएगी। 300 प्लस चाचा, 300 प्लस सीट जा रही हैं, क्या कहेंगे आप? मैं क्या, पब्लिक ये कुछ नहीं कर सकती। अच्छा, बेसिकली आप रहने वाले कहाँ के हैं? बरेली के रहने वाला हूँ। तो बरेली में इस समय सड़क कानून और बिजली के क्या हाल हैं? बिजली का कोई हाल नहीं, सुविधा नहीं। दूसरी बात ये है सरकारी, हाँ बिजली में सुधार हुआ, जो बिजली में सुधार हुआ, पहले सुधार हुआ उसको एक्सेप्ट कीजिए, जो अच्छा काम हुआ उसको एक्सेप्ट कीजिए। सुधार हुआ, सरकारी डिस्पेंसरी आप जाके देख लो कि किसी को एक दवा, डॉक्टर के बैठने का 8 बजे का टाइम है, आया 12 बजे, वहाँ पर लाइन लगा तो डबल बीमार हो गया। तो बरेली में आपके शासन होगा, प्रशासन होगा, विधायक होंगे, सांसद होंगे, आप कभी उनके पास जाते हैं? कोई भी सुविधा नहीं। आप विधायक सांसद वहाँ के जो मंत्री हैं उनके पास जाते हैं आप समस्या लेके? ये समस्या जो है कोई नहीं कर सकता। 10 साल पहले भी यही समस्या थी, आप उसको तो नहीं बोल रहे हो, आप उसको तो नहीं बोल रहे हो, अस्पताल ही बता रहे हो। खराब हुई है, टाइम लगेगा। बिजली बिजली आज के डेट में यूपी में बहुत अच्छी है, आप जितने पब्लिक हैं उनसे आप पूछ सकते हैं। लाइट का व्यवस्था ज़्यादा है, पहले से लाइट की व्यवस्था ज़्यादा है, और बातों को हिसाब से देखो तो परेशान है पब्लिक। अच्छा, आपके यहाँ का सांसद कौन है? कौन, किस पार्टी का सांसद है? कोई हमारे यहाँ सांसद अभी जो वही है, समझ लो योगी है बस। विधायक सांसद नाम पता होगा आपको, बरेली में सांसद कौन है, विधायक कौन है? इसके बारे में मुझे नहीं मालूम। तो आप कभी उनसे मिले नहीं? आपके क्षेत्र में कभी आए नहीं? वो मिल ही नहीं पाएंगे। वो आपके क्षेत्र में तो आते होंगे? नहीं, अपने मौके पर आते हैं। तो मौके पर आप उनका नाम जानते होंगे, उनको पहचानते होंगे? ऐसा नहीं, मौके पर आते हैं। हाँ जी, ये खुद नोएडा में रहते हैं तो ये वहाँ का विधायक, वहाँ का व्यवस्था में बात ही नहीं कर सकते। तो बता तो रहे हैं, अगर नोएडा में रहते फिर बरेली के बारे में तो बता रहे हैं कि वहाँ डिसेंट्री नहीं सही है। ये नहीं गए हैं ना वहाँ पे? आपने पूरे दिन नोएडा में अपना गुजर बसर कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, गुजर बसर कर रहे हैं, ये बरेली जा ही नहीं रहे, इनको पता क्या होगी बरेली में विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है? आप देख लीजिए। हाँ, मैं राय जरूर रहा हूँ, मगर ये मुझे मालूम है कि बरेली के अंदर विकास नहीं है। देख लो, मैं रिसेंटली गया था बरेली शहर, इतनी गंदी शहर थी, आज जाके देखो बरेली में कितनी सफाई है। मैं खुद रेलवे स्टेशन की बात कर रहा हूँ, रेलवे स्टेशन की बात कर रहा हूँ, आप जाके देखना, रेलवे स्टेशन पे इतनी गंदगी थी पहले, आज से 10 साल पहले, लेकिन आज जाके देखो सफाई तो है कम से कम। मेन सिटी है और अंदर शहर में जाके देखो क्या व्यवस्था है। सारी चीज का जिम्मेवारी सरकार नहीं लेती है, कुछ आपका भी कर्तव्य है, कुछ आपका भी दायित्व है, वो भी तो निभाइए। सफाई में क्या सरकार आपके यहाँ का झाड़ू चलाए? सरकार कोई सी भी हो, मगर पब्लिक खुशहाल रहना चाहिए, मेरा मतलब ये है, पब्लिक खुशहाल। मुझे ये इस बात का अफसोस ज़्यादा। हमारे पास ज़्यादा कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? यूपी फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद में आपका सांसद कौन है? मुकेश राजपूत। मुकेश राजपूत, तो मुकेश राजपूत के कामों से आप कितना प्रभावित हैं? 100% काम अच्छा करते हैं। इस बार इलेक्शन में आप किस पार्टी के साथ जाना चाहेंगे? बीजेपी के साथ। बीजेपी के साथ क्यों जाना चाहेंगे? पार्टी का तौर भी हैं, राहुल गांधी भी थे, वो भी लगातार देश में भ्रमण कर रहे हैं, लोग उसे मिल रहे हैं, सबका हाल चाल जान रहे हैं। वो पप्पू थे, पप्पू हैं, पप्पू ही रहेंगे। वो तो आप उनको नेता बोलने लगा, आपका पक्ष भी नेता बोलने लगा। वो नेता इसलिए बोलने लगे कि वो नेता, जब उनका जो साथी लोग महागठबंधन में ही उन्हें नेता नहीं मान रहे तो बीजेपी वाले कहाँ से नेता मानेंगे, जब वही उनसे अलग हो रहे हैं। बोले ममता बनर्जी और ये अभी तेजस्वी यादव नीतीश कुमार बोले थे कि भाई जब हम उनके साथ नहीं जाएंगे, यहाँ तक कि ममता बनर्जी ने ये भी बोला कि अगर जो राहुल गांधी के साथ हम जाएंगे तो महागठबंधन की हार निश्चित है और मोदी दोबारा प्रधानमंत्री फिर बनने के वाले हैं। ये बोले जब उनके साथ ही बोले तो और जनता क्या बोली उनके वाले। 2024 चुनाव में आपको लग रहा है कि बीजेपी आएगी? बीजेपी 100%। चाचा तो बता रहे कोई काम ही नहीं हुआ, कोई विकास ही नहीं हुआ है। चाचा रहेंगे यहाँ, जाएंगे गांव, कब से नहीं गए पूछे, बोले इनसे कब से नहीं गए पूछो जरा इनसे, ये बताएंगे गांव जाएंगे या नहीं। जो चाचा 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 भैया आपसे पूछ रहे हैं कि चाचा साहब ये पूछिए कि चाचा कब से गांव नहीं गए, जो भैया बता रहे हैं कि यहाँ विकास नहीं हुआ मेरे यहाँ, आप घर कब गए थे लास्ट टाइम? अरे अभी तो हम 3 महीना पहले आए। दो दिन के लिए गए थे चाचा, दो दिन में विकास पता नहीं चलती है। चाचा ये चीज बताओ, 10 साल पहले रोड ऐसे थे, हाईवे तो नहीं थे? साल पहले ऐसे कैसे थे?
10 साल पहले सो वही बोल रहा हूँ कि जो चीजें अच्छी हुई हैं उसका तो कम से कम आप बताओ। अच्छा ठीक है, मैं आपसे एक एक बात करके पूछता हूँ। आज के 10 साल पहले बिजली जैसे थी, बिजली वैसे ही ऐसी नहीं थी, पहले से बहुत सुविधा हो गई। शासन सत्ता इनकी सही है कि नहीं सही है पहले के साथ? हाँ, पहले से बहुत सही है। रोड की रास्ता, ब्रिज वगैरह, ये सब सबसे वो जल पहुँचा है, शौचालय सभी को मिले हैं। तो जो है हमारे यहाँ लाइन पड़ रही है, गांवों में लाइनें पड़ रही हैं। अब उसके बाद में ये चालू होने के बाद में व्यवस्था बनती ही नहीं बनती, इसके बारे में कुछ नहीं पता, इसके बारे में कुछ नहीं पता। की बात सर आप कर रहे हो ना, आप बोल रहे हो कि विकास बरेली में विकास अच्छा हुआ है। मैं बरेली खुद रहने वाला हूँ। आप जो रेलवे स्टेशन की बात कर रहे हो वो बहुत अच्छी न्यू हो गई है, बहुत बढ़िया है। और ब्रिज भी वहाँ पर बहुत सारे बन चुके हैं, अभी भी काम चल रहा है। लाल फाटक जो है, RBMI जो स्कूल है, ठीक है, वहाँ से वहाँ की व्यवस्था सही है। और भारत तिब्बत सीमा पुलिस और जो कैंट में, बिल्कुल कैंट में है। अब मेरी बात सुनो, जो आर्मी कैंट बता रहे हो, जो CRPF, BSF, एयरफोर्स और आर्मी वाले सामने कैंट है ना। चाचा देखिए, बरेली का आप भी हैं, बरेली के भी हैं, ये बता रहे विकास हुआ है, सब कुछ हुआ है, और आप कह रहे विकास नहीं हुआ है। पाइप की बात करूँ मैं, पानी की, मिनिमम भाई साहब बताओ, अगर मुझे वहाँ पर वो पीला वाला वो दिख रहा है बोर्ड, वहाँ तक पानी पहुँचाना है तो कै इंची का पाइप डालेंगे? उसके लिए नहीं, उसके लिए सुनिए, मैं बता रहा हूँ, उसके लिए गवर्नमेंट के इंजीनियर हैं, उसके लिए नीति आयोग जो है ना, उसका पूरा वो होता है, ठीक है, उसका नियम बनता है। ऐसा नहीं है कि आप बोल दो कि 5 इंची डाल दो, 10 इंची डाल दो, ये चीज़ें नहीं होती है। और ये आपका काम नहीं है, मेन लाइन पड़ रही है ना, वो 2 इंची की पड़ रही है, तो जो मेरे घर में जो, अच्छा ठीक है, हम उसको हम अभी उसको एक्साइड करते हैं। सरकार से आप प्रभावित नहीं प्रभावित हैं? तो सरकार से प्रभावित हैं, पर ये जो महंगाई है थोड़ी कम हो जाए। सांसद कौन आपके यहाँ का? सांसद तो मुझे पता। विधायक कौन है? विधायक भी नहीं। आप कैसे बता सकते हैं विकास नहीं हुआ, सरकार पे कैसे उठा सकते हैं? तुमने विधायक को इसके पूछा, इसका ना विकास तो का दो बुक चल रही है। हम जो जा रहे हैं रास्ते में आ रहे हैं, पहले से सुविधाएं तो वो पता चलेगी ना हमें, या पता है कि उनके घर में क्या हो रहा है, या वो कहाँ जा रहे हैं, उनकी रैली कहाँ जा रही है। अगर यही लिखने चले जाएंगे या यही पता करने चलेंगे तो हम खाने के लिए कहाँ से लाएंगे सर? जी आप कुछ कहने वाले थे, महंगाई पे मेरा क्वेश्चन था, अगर महंगाई नहीं बढ़ेगी, आपको सैलरी हर रोज बढ़नी चाहिए और महंगाई ना बढ़े, अगर महंगाई नहीं बढ़ेगी तो किसान की आमदनी कैसे बढ़ेगी? सैलरी आप, अच्छा तो महंगा, अच्छा अभी महंगाई रेट क्या है, इन्फ्लेशन रेट क्या है अभी इंडिया में, किसी को पता नहीं है। सब्जी और फल और फ्रूट वगैरह लेने, मेरी सैलरी दिहाड़ी पूरे दिन की दिहाड़ी चली जाएगी, और 2 वक्त का भी ना, 1 ही वक्त का खाना आ पाएगा अगर लेके आऊँ मैं अपनी पूरी फैमिली के लिए, है ना हमारी सैलरी। अगर अच्छा तुमने जो अभी जो बताई थी ना कि ये हमें बात रखना चाहिए, ये बात सही थी कि जिसकी जितनी 15,000-20,000 जिस पोस्ट पे है, सरकार को दबाव बनाना चाहिए कि प्राइवेट में भी इतना होना चाहिए। ये बात आप, गवर्नमेंट की पॉलिसी है न्यूनतम मजदूरी, आपको अगर बोला जाए कंपनी में जाके ये बात बोलिए, आप नहीं बोल पाएंगे, आपको डर है कि कंपनी हमें निकाल देगी। जब आप अपने हक के लिए नहीं लड़ेंगे तो उसके लिए गवर्नमेंट को दोषी देना सही नहीं है, आप अपने हक के लिए लड़िए। आपको पता है नोएडा में न्यूनतम मजदूरी क्या है? अब वो गरीब जो है ये सोचेगा मुझे 4 दिन छुट्टी हुई तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, इसलिए जो है वो मजबूरी है, उसके सामने कहाँ खड़ा हो जाएगा। बात करते कुछ और लोगों से, भैया 2024 चुनाव किस तरीके से देखते हैं आप, किसके साथ आप जाना चाहेंगे, किसको पसंद करना चाहेंगे आप? बीजेपी के साथ ही रहेंगे? बीजेपी के अलावा कोई भी सरकार आ जाए ठीक है। क्यों बीजेपी इतना खपा क्यों है? अरे इतने कहाँ, 60 रुपया तेल है तो 150 होएगा, गैस 350 तक, सिलेंडर है तो कहाँ 1050 को होएगा, गेहूँ कहाँ 10-12 रुपया तो 30-35 रुपया होएगा। गेहूँ भी रेट बढ़ा है, गेहूँ का रेट भी बढ़ा है, अगर गेहूँ पहले आप 8-10 बेचते थे आज 20 हो गई है। सारी सैलरी बढ़ी नहीं, कमाई कुछ बढ़ी नहीं, रोजगार कहीं बढ़ा नहीं, कंपनी जो चल रही थी वो बंद हो गई, उन पर GST लगाए, कुछ कचू लगाए वो बंद कर दी। आदमी देख रहे हो सब पार्क में घूम रहा हूँ, काम ही नहीं मिल रहा हूँ। कांग्रेस के ज़माने में कोई घूमता नहीं था, सड़क पे भी जा रहा तब भी मैं जो कंपनी वाला पकड़ के ले जाता था कि चलो आप ड्यूटी कर लो, आज तब घूम रहे क्यों, है ही नहीं, काम ही नहीं है। लोगों को आपने सुना और देखा भी, कहीं ना कहीं हर किसी के मन में महंगाई है तो कोई बेरोजगारी को मुद्दा बता रहा है, लेकिन इन सब के बावजूद भी लोग यही चाह रहे हैं, ज़्यादातर लोग यही चाह रहे हैं कि एक बार फिर से मोदी की सरकार बने। कैमरामैन वसीम के साथ मैं सुदीप सिंह, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, नोएडा।